बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सेकंड क्लास की साइंस की यूनिट नंबर फर्स्ट में स्टेम को डिफाइन करेंगे और साथ साथ उसके अबाल को भी वाजह करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप पेज नंबर 2 निकाले साइंस बुक में। पेज नंबर 2 हम पढ़ेंगे स्टेम। The stem is the part of a plant that grows above the ground. Stem से मुराद तना है। ये पौधे का वो हिस्सा होता है जो जमीन की सतह से ऊपर नुमाया होता है। The stem holds up branches which bear leaves, flower, fruits and seeds. तना पौधे की शाखों को पकड़े रखता है जिसमें पत्ते, फूल, फल और बीज होते हैं। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तना पौधे को सहारा देता है एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल इट्स पार्ट्स। और ये पानी और खुराक को दीगर तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है। स्टेम और ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब तने के मुख्तलिफ अकसाम होते हैं। सच एज पीपल ट्री हैज अ हार्ड एंड थिक स्टेम। पीपल दरख्त का तना सख्त और मोटा होता है। बेम्बू हैज अ हार्ड बट होलो स्टेम। बानस का तना सख्त होता है और ये अंदर से हाली होता है। होलो, होलो मीन कोकला, अंदर से हाली होता है। पाम ट्री हैज हार्ड एंड रफ स्टेम। खजूर के दरख्त का तना सख्त और कुर्दरा होता है। द स्टेम ऑफ मेलन इज सॉफ्ट। खरबूज का तना नरम होता है। द रोज एंड कीकर हैव हार्ड एंड थॉर्नी स्टेम। गुलाब और कीकर का तना कांटेदार होता है। थॉर्नी मीन कांटेदार। पोटैटो एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम। अब आलू और अदरक का तना जमीन के अंदर होता है। अब हम स्टेम के मुताबिक इसमें जो मुश्किल अल्फाज है वो हम बोर्ड पे लिखेंगे। स्टूडेंट, आप वो अपने साथ नोटबुक में लिखें। वर्ड्स मीनिंग है ग्रो, ग्रो मीन बढ़ना या उगना, घटे दो तो वही। एबो, एबो मीन ऊपर। ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन शाखे। सपोर्ट, सपोर्ट मीन सहारा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन तरसील। फूड, फूड मीन खुराक। डिफरेंट, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। हार्ड, हार्ड मीन सख्त। थिक, थिक मीन मोटा। बेम्बू, बेम्बू मीन बानस। होलो मीन कोकला। पाम ट्री खजूर का दरख्त। रफ, रफ मीन कुर्दरा। और तोरनी, तोरनी मीन कांटेदार। बच्चों अपने साथ ये लिखो नोटबुक में और उसको। स्टूडेंट, अब स्टेम के बारे में हम कुछ सवालात हैं पेज नंबर 4 पे। स्टूडेंट पेज नंबर 4 निकाले और क्वेश्चन नंबर 4 को देखे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे स्टेम के मुताबिक हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड स्टेम। पौधे के किस हिस्से को तना कहा जाता है? आंसर है ये, द स्टेम इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा पेज नंबर 2 पे, तना पौधे का वो हिस्सा है जो जमीन के ऊपर से बहुत नुमाया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम। तने का अवाल क्या है या तने का क्या काम है? द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। तना पौधे को सहारा देता है एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट।
जो बाकी पौधे के तमाम हिस्सों को पानी और खुराक खुराक की तरसील करता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, नेम फोर काइंड ऑफ स्टेम इन प्लांट्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6, नेम फोर काइंड ऑफ स्टेम इन प्लांट्स विद एग्जांपल। पौधों में तनों के चार अकसाम के नाम बताए मिसालों के साथ। उसका आंसर है नंबर 1, हार्ड एंड रफ स्टेम, सख्त और कुर्दरा तना। मिसाल दी गई है पाम ट्री, खजूर का दरख्त। नंबर 2, सॉफ्ट स्टेम, नरम तना, मेलन, खरबूज का। नंबर 3, हार्ड एंड थॉर्नी स्टेम, सख्त और कांटेदार तना, मिसाल है इसका रोज यानी गुलाब। नंबर 4 है अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर तना, उसको जमीन के अंदर किसका तना होता है, पोटैटो का, आलू का। तो डियर स्टूडेंट, आप ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 अपने साथ नोटबुक में लेके और ये याद करें। थैंक यू सो मच।